हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मेरी प्रीवियस वीडियोस आपको अच्छे समझ आ रही होंगी। बच्चों, हमने जो कल किया था तो उस फॉर्मिंग नंबर मैंने आपको समझाए थे, तो आज जो है हम सीख रहे हैं प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। ये बहुत इजी है बच्चों, बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रीडिसेसर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है, इसमें इतनी कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। आप ये प्रीवियस क्लासेस में आप कर चुके हैं। प्रीवियस मतलब पिछली, यानी प्री आ गया ना तो हम पहले की बात कर रहे हैं। तो प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, प्रीडिसेसर मीन्स, अगर बच्चों में आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो होता है बिफोर, और सक्सेसर का मतलब होता है आफ्टर। सब बच्चों ने किया हुआ है ना बिफोर एंड आफ्टर, पहले सब बच्चों ने किया है ना। तो अब देखिए, प्रीडिसेसर बिफोर, और बिफोर का मतलब होता है पहले, और आफ्टर मीन्स होता है बाद में। अब हम पहले ये सब कर चुके हैं ना। अगर मैं आपको पूछूंगी टू से पहले क्या आता है, वन, है ना। फोर से पहले क्या आता है, वन। हंड्रेड से पहले क्या आता है, 99। यानी हम इसमें क्या करते हैं, सिर्फ माइनस वन। और सक्सेसर वन के बाद क्या आता है, टू, 99 के बाद 100, 1000 के बाद 1001, ठीक है। ये सब करते हैं, तो इसमें हम करते हैं प्लस वन। सबसे पहले आप इतना याद रखेंगे, प्रीडिसेसर जहाँ पे आ गया उसका मतलब है बिफोर। बिफोर मीन्स होता है पहले, यानी प्रीडिसेसर का मीनिंग हुआ पहले, यानी माइनस वन करना है आपको डिजिट में। सक्सेसर अगर आपसे पूछा जाएगा, आपका सक्सेसर में आप लगाएंगे आफ्टर, ठीक है, और उसका मीन्स होता है बाद में, और उसमें करते हैं प्लस वन। अब प्री मतलब, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं अपनी प्रीवियस क्लास में, अगर आप बताते हैं तो आप बोलेंगे मैं प्रीवियस क्लास में सेकेंड क्लास में था, है ना, तो आप पहले की बात कर रहे हैं, वो प्री होता है ना। जैसे नर्सरी से पहले प्री नर्सरी, ठीक है। अब अगर सक्सेसर, सक्सेसर का देखो मीनिंग उसी में है, सक्सेस यानी आगे बढ़ना, है ना। तो अगर अभी हम थर्ड में हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम किस में जाएंगे, फोर्थ में। तो सक्सेसर हुआ ना हमारे लिए यहाँ आगे बढ़ना। तो प्री मतलब प्रीवियस एंड सक्सेसर, सक्सेस मतलब आगे की बात हम कर रहे हैं। तो वही हमने यहाँ पे सीखना है बच्चों, छोटी डिजिट हो जाए चाहे बड़ी डिजिट हो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मैं एक सम लेती हूँ, छोटी डिजिट सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन अगर मैंने एक डिजिट ले ली 9999, ठीक है, या मैं आपको बता रही हूँ 10,000 लेके दिखाती हूँ पहले, 10,000, ठीक है। अब बच्चों से बताया जा, पूछा जा रहा है कि इसका प्रीडिसेसर बताइए, यानी बिफोर बताइए, ठीक है। यहीं पर फिर मैंने ले लिया 9999, यानी 9999 का सक्सेसर बताइए। जब तक बच्चों आपको बड़ी डिजिट में नहीं समझ आता हमें क्या करना है, आप प्रीडिसेसर का पहले अपने दिमाग में मीनिंग बताएंगे, बिफोर पहले, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर कुछ मत कीजिएगा, हमेशा मैथ्स में एक रफ वर्क आप जरूर करेंगे साइड में, ठीक है। तो अब हम देखिए 10,000 में से क्या कितना माइनस करेंगे, वन। ये वंस प्लेस टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। अब वंस में मैं माइनस वन कर रही हूँ तो मैं वंस प्लेस के नीचे लिखूंगी, ठीक है। यहीं से लिखना शुरू करते हैं ना, वंस प्लेस से। अब जीरो माइनस वन तो हो नहीं सकता, तो हम बोरो लेंगे, है ना। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये तो सभी बच्चों ने पहले किया होगा। देखिए, अब ये इसको बोरो देगा तो ये 10, फिर इसने इसको दिया, फिर इसने इसको, तो ये रह गया, फिर इसने इसको, तो ये हो गया 10, बाकी ये क्या है, 99, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जीरो हो गया, 10 माइनस वन 9, और यहाँ पर 999, और ये तो जीरो ही है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, देखिए कितना इजी है, 9999। अब यहाँ पर सक्सेसर पूछ रहे हैं वो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्लस वन करना है, तो 9 + 1 = 10, 1 कैरी, 9 + 1 = 10 कैरी, 9 + 1 = 10 कैरी, 9 + 1 = 10, आ गया 10,000। देखिए कितना इजी था ना। ऐसे ही आपको कोई सा भी डिजिट दे रहे, ये तो 10,000 मैंने दिया, अगर ब्लैक तक का भी डिजिट बच्चों आ जाए ना, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने माइनस वन प्रीडिसेसर निकालने के लिए कर देना है, और प्लस वन सक्सेसर के लिए। अगर मैं एक डिजिट आपको और लेके दिखाऊं बच्चों, जैसे मैंने ले लिया 8,998। देखिए, वैसे तो एक बहुत ईजी ट्रिक है, अगर इससे पहले की आपको डिजिट बतानी है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 98 है, वंस और टेंस का प्लेस अभी हमारा चल रहा है 8,900 वाली लाइन में, 98 चल रहा है, ठीक है। तो 98 से पहले 97 आता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें नहीं समझ आता कि अभी भाई ये तो इतनी बड़ी डिजिट है कैसे बताएं, तब के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आप रफ वर्क हमेशा कर लीजिए बेटे। अगर आपको पता भी है ना इससे पहले ये आता है, तो आप कन्फर्म कर लीजिए रफ वर्क करके ना, 8,998 में अगर माइनस वन करेंगे तो देखिए कितना आया, 97, यानी 8,997। अब सक्सेसर में भी सेम हम ये करते हैं, अगर
देखिए, अगर मैं यहाँ पे डिजिट लिखती हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा 9, बताइए 9,990 से बाद क्या आता है? तो 1 times 100,000, 1 times 90 है ना, तो 990 के बाद क्या आएगा, 991, तो पता चल गया। लेकिन जब तक आपको अच्छे से नहीं आता, रफ वर्क कर लीजिए, ठीक है? तो 0 plus 1 1999, तो 9,991 हमारा आंसर आ गया। अगर आपको ऐसे आता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इजी ट्रिक, अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर एक्यूरेट बिल्कुल सही आप लिखें, तो आपको ये पता होना चाहिए प्रीडिसेसर बिफोर होता है, उसका मीनिंग पहले होता है, हम -1 करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। सक्सेसर मीन्स आफ्टर होता है, यानी बाद में, तो आप +1 करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, सो डू प्रैक्टिस। ओके, टेक केयर ऑफ यू, बाय।